मित्रों, सबसे पहले तो मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर बधाई दी है, उनके लिए शुभकामनाएं की। वैसे भी काफ़ी समय से प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो KMP के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है, उसके शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दिया है। तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, मालेश्वर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का जो रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएंगे तो हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा। इस प्रकार इन सब विषयों के ऊपर चर्चा होगी।